ड्राई फ्यूजी हेयर को सॉफ्ट करने के लिए और अपनी हेयर्स को और भी ज़्यादा मैनेजेबल रखने के लिए ये हेयर पैक काफ़ी इफेक्टिव है। साथ ही साथ इसका एक सीक्रेट पावर भी है, वो है हमारे हेयर ग्रोथ को प्रोमोट करना। हाँ, ये हेयर पैक हमारे हेयर ग्रोथ को भी अच्छे से इफेक्टिवली प्रोमोट करता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है और इसका बोनस पॉइंट भी है। और इसमें सबसे इंटरेस्टिंग सब बात ये है, इसके लिए हमें बस दो इंग्रेडिएंट चाहिए और वो भी काफ़ी इजी टू गेट है, हम सब के घर पे होती है ना, कमाल की बात। और इस हेयर पैक से रिलेटेड और भी काफ़ी सारी इन्फो मैं इस वीडियो पर शेयर करती रहूँगी, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो क्या कर रहे हो, इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दो और अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ जरूर शेयर करना। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ऐसे काफ़ी सारे होममेड हेयर पैक है जिसको अप्लाई करने के बाद हमें इंस्टेंटली कोई भी विजिबल रिजल्ट नहीं मिलती है। एग्जांपल के लिए मैं बता दूँ, बनाना, जो कि हमारे हेयर शाइनिंग में काफ़ी इफेक्टिव है, पर हम जब इसको अप्लाई करते हैं, उसको वॉश करते हैं, वो हमारे हेयर्स पे काफ़ी ज़्यादा मेसी लगता है। इवन वॉश करने के बाद भी थोड़े टाइम बहुत ही ज़्यादा मेसी फील होता है, बट आफ्टर सम टाइम 4 to 5 hours के बाद हमारे हेयर्स पे एक शाइनिंग आती है। ऐसे काफ़ी सारे होममेड हेयर पैक है जो ऐसे ही रिजल्ट दिखाता है। कुछ ऐसा ही ये वाला हेयर पैक, इसको अप्लाई करने के बाद आपको इंस्टेंटली एक सॉफ्टनेस, एक मैनेजेबल फील तो होगी, बट इसका असली रिजल्ट आपको मिलेगी 7 to 8 hours के बाद। आपके हेयर्स इतना ज़्यादा शाइनिंग होगी, इतना ज़्यादा सॉफ्ट स्मूथ होगी कि आप मुझे थैंक यू बोलते रहोगे। इसलिए मैं इसको रिकमेंड करूँगी, अगर आप किसी फंक्शन के लिए अपने हेयर्स को रेडी करना चाहते हो तो इसको एक दिन पहले आप अप्लाई करो और नेक्स्ट डे यू रॉक। और इसका एक और इंटरेस्टिंग सा बात है, इसको आप अप्लाई करने के बाद 2-3 दिन तक आप शैम्पू नहीं भी करोगे ना, आपके हेयर्स काफ़ी ज़्यादा शाइन करने वाली है। मैं इस हेयर पैक को 2 दिन पहले अप्लाई किया था, जैसे कि आप देख पा रहे हो मेरा हेयर काफ़ी ज़्यादा मैनेजेबल लग रही है, काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट लग रही है और काफ़ी ज़्यादा शाइन भी कर रही है। और बस और हमें क्या चाहिए, और मुझे मतलब और किसी हेयर स्टाइल की ज़रूरत ही नहीं है। यही खास बात है इस हेयर पैक की, इसको एक बार आप अप्लाई कर लो ना, उसके बाद आपको टेंशन ही नहीं लेना है कुछ दिनों तक, आपकी हेयर्स काफ़ी ज़्यादा मैनेजेबल हो जाएगी। इसके साथ ना काफ़ी कोई भी आप हेयर स्टाइल कर सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मतलब आप ऐसे भी छोड़ दो ना हेयर को, वो ऐसे ही कितना अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है कि आपको किसी हेयर स्टाइल की ज़रूरत ही नहीं है। तो प्रोसेस की शुरुआत में हमें लेना है राइस, आप इसमें कोई भी वाइट राइस यूज़ कर सकते हो, और इसको ओवरनाइट सोक करके रखना है। अब तो इसके बाद इसको हाफ बॉईल करनी है। और इसके बाद इसमें ऐड करना है मिल्क, रॉ मिल्क की जगह पे आप कोकोनट मिल्क भी यूज़ कर सकते हो, पर कोकोनट मिल्क ऐसा होता है ना, हमेशा हमारे पास नहीं हो पाती है, और उसको परचेस करके लगाओगे वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली हो जाती है। तो आप इसके जगह पे नॉर्मल रॉ मिल्क भी यूज़ कर सकते हो, अगर आपके पास कोकोनट मिल्क है तो उसको अप्लाई कर सकते हो, काफ़ी अच्छे से रिजल्ट मिलेगी। और अच्छे से इसका एक स्मूथ पेस्ट बनाना है, आपको अगर ज़रूरत पड़े तो आप और भी ज़्यादा मिल्क ऐड कर सकते हो, पर ध्यान रखें इधर कोई पानी आपको यूज़ नहीं करनी है। तो इस पैक से रिलेटेड एक और इंटरेस्टिंग से इन्फो आपको देती हूँ, ये वाला पैक जितना अमेजिंग है हमारे हेयर्स के लिए, उतना ही अमेजिंग है हमारे स्किन के लिए, हमारे फेस के लिए। राइस और रॉ मिल्क का जो कॉम्बिनेशन है ना, वो हमारे सन टैन को रिमूव करने में काफ़ी इफेक्टिव है। तो ये वाला ट्रिक्स आज के लिए। इसके बाद बहुत छोटे छोटे सेक्शन में हेयर्स को लेके उसको आपको अच्छे से अप्लाई करनी है, और उसको ऐसे ही छोड़ देना है अराउंड 1.5 से 2 घंटा। थोड़ा सा ज़्यादा टाइम है, पर इसका रिजल्ट भी काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग है। Oh.
और इसके बाद आप नॉर्मल शैम्पू से अपने हेयर्स को वॉश कीजिए और नॉर्मल जैसे कंडीशनर आप यूज़ करते हो वैसे ही यूज़ कीजिए। आई होप ये वाला वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक बाय एंड टेक केयर।